एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, आज थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो, क्योंकि आप भी बोर हो जाते होंगे ना, हर रोज काम काम काम। तो आज मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है काम में से। जैसे कि मैं हर महीने तो नहीं कहोगे, हर महीने तो नहीं करती हूँ, कभी कभी मुझे हर महीने भी कर लेती हूँ, कभी कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, मतलब हो जाता है। पर करती मैं नेचुरल चीज़ से ही हूँ, फेशियल, यानी टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज मैं आपको घर की चीज़ों से बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया है मैं घर की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, जो नेचुरल घर में होती हैं चीज़ें वही यूज़ करती हूँ। और इन चीज़ों से भी आप अपनी स्किन को एकदम ग्लास स्किन बना सकते हो और ग्लोइंग बना सकते हो। तो चलिए आज मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली, क्योंकि मुझे कमेंट भी कई मतलब आ रहे थे कि आप फेशियल शेयर करो, फेशियल शेयर करो। तो फिर वो मुझसे नाराज़ भी हो गई थी मेरी सब्सक्राइबर। मैंने कहा चलो आज कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सच बात तो ये है, आज थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला है अपने लिए और अपनी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आप एक बार कर लोगे ना, तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे, मैं पक्का गारंटी के साथ कहती हूँ। पार्लर जाना भूल जाओगे। मैं पार्लर सच में नहीं जाती, सिर्फ थ्रेडिंग के लिए मैं ज़रूर जाती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं जाती, मैं थ्रेडिंग के लिए जाती हूँ। बट ये फेशियल वगैरह के लिए तो मैं कभी नहीं जाती, अपने घर पर ही कराती हूँ। और अगर मुझे क्रीम से भी करना होता है तो भी मैं घर पर ही करती हूँ। तो चलिए वो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ मैं क्या क्या चीज़ ले रही हूँ। तो सबसे मैं 4 स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजिंग का, जिससे हम फेस अपना साफ करते हैं। तो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, ना कोई क्रीम है, आज मैंने मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया था इसीलिए, क्यों मुझे फेशियल करना था इसलिए, तो मुझे धोना भी नहीं है, चेहरा बिल्कुल साफ है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ये लिया है मैंने कच्चा दूध, जो मैं सुबह निकाल लिया था। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। आप अगर चाहें तो दूध की जगह पर गुलाब जल भी ले सकते हैं, गुलाब जल से भी क्लींजिंग कर सकते हो फेस की। तो मैंने यहाँ पर कॉटन लिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें, ये कच्चा दूध है, कच्चा दूध हर स्किन पे सूट कर जाता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, और दूध से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी मत करिए, रोज़ सुबह सुबह कच्चा दूध अपनी स्किन पर लगाइए, स्किन अपने आप ग्लास स्किन बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपने स्किन पे दूध से क्लींजिंग कर लीजिए, पहले इस तरह से। तो मैं पहले हल्के हाथों से मसाज करूंगी। बिंदी हटा देती हूँ। गर्दन को हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, कोई मेकअप कर रहे हैं या मतलब फेशियल कर रहे हैं, कुछ भी, कोई पैक लगा रहे हैं, तो गर्दन को जरूर लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं कॉटन लूंगी, इसको धोना नहीं है, बस इसको हल्के से पोंछ लेना है कॉटन से। आप इससे ही देखेंगे कि स्किन पे अलग सा ग्लो आ जाता है, दूध से ही सारी डस्ट आपकी निकल जाएगी। क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है फेस पे, जैसे कि जो भी डस्ट है या आपने मेकअप किया हुआ है कुछ भी, तो वो सारा रिमूव हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया था और फिर भी थोड़ी सी गंदगी मेरे चेहरे पर निकली है। तो देखिए आप सिर्फ दूध से ही देख रहे होंगे, निखार तो काफ़ी है। तो चलिए अब हम करते हैं दूसरा स्टेप, जो कि होता है स्क्रब। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच दही, मैंने दही लिया है 1 चम्मच, आप देखिए। और 1 चम्मच दही लेकर के इसमें हम डालेंगे ये चावल का आटा है, तो मैंने 1 चम्मच ही इसमें डाला है चावल का आटा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मैं स्क्रब 2 से 3 मिनट के लिए करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी। ये जो नोज़ वाला एरिया होता है, चिन का एरिया होता है, फोरहेड का एरिया होता है, यहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, और मतलब जो भी डेड सेल्स होते हैं ना, वो सारे स्क्रब से निकल जाते हैं, ये आपको पता ही है, सबको पता है। तो मैं दही जो होता है ना, दही में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दही इंस्टेंट ग्लो लाता है और स्किन को हमारी को चमकदार बनाता है एकदम से, जो सीसी ऐसी स्किन चमकती है ना, वो दही से होती है। तो बस आप यहाँ पे इसी तरह से आप मसाज करिए। आप यहाँ पे से चावल का आटा नहीं लेना चाहते तो मसूर की दाल का पाउडर भी ले सकते हो,
वो भी आप ले सकते हो। तो बस दो से तीन मिनट ही करूँगी बस मसाज, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो बस आप भी इतना ही करिए और हल्के हाथों से मसाज करिएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाज हो गई है मेरी, और मैंने बस इसको पहले टॉवल से कॉटन के कपड़े से सॉरी पोंछ लिया है। तो यहाँ पे मैंने फेस को धो लिया है, मैं इसको पोंछ लेती हूँ। तीसरा स्टेप करते हैं, उसके लिए हमें बनानी है क्रीम। तो क्रीम को हम किस तरह से बनाएंगे, एक चम्मच लेंगे हम दही, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा शहद। अब एक लिया है मैंने विटामिन ई का कैप्सूल, जो मैं इसमें डालूंगी। तो अगर है आपके पास तो डाल सकते हैं, वरना तो इसको मैंने पिंच कर लिया है। ये देखिए विटामिन ई का कैप्सूल मैं एक डालूंगी पूरा। इससे करेंगे हम स्किन की मसाज। तो इसको पहले तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने एक शुरू कर दी है अपनी मसाज। मसाज कम से कम हमको 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से। पर मैंने आपको यहाँ लग रहा होगा तेज़ कर रही हूँ, मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में करनी है, और मसाज ऊपर की तरफ ही करनी चाहिए हमेशा हमको। और गर्दन को तो कभी अवॉइड करना ही नहीं चाहिए, गर्दन को तो मैंने आपको बताया। तो बस इसे ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ आप मसाज करिए जैसे मैं कर रही हूँ, और हल्के हाथों से बिल्कुल। और ये जो दही है इसमें विटामिन ई है का कैप्सूल जो मैंने डाला है, शहद डाला है, ये सारी स्किन के लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। विटामिन ई का भी आपको पता है कितनी सारी क्वालिटी होती है विटामिन ई के कैप्सूल में। तो बस यहाँ पे मसाज करने के बाद 10 मिनट, मसाज को 10 मिनट करने के बाद हमें इसको धोना नहीं है और एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना है बस। तो अब हम बना लेते हैं इसके लिए पैच, जो फोर्थ स्टेप है इसका। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लूँगी एक चम्मच दही। एक चम्मच दही लिया है मैंने, ये चम्मच हल्दी की हो रही थी इसलिए आपको लग रहा होगा हल्दी है इसमें। एक चम्मच लेंगे बेसन, और एक चौथाई चम्मच लूँगी मैं इसमें हल्दी, थोड़ा सा डालूंगी शहद। आप चाहें अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप इसमें नींबू भी मिला सकते हैं, बट मुझे नींबू सूट नहीं करता है इसलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसलिए मैं नींबू नहीं डाल रही। तो यहाँ हमारा पैक तैयार हो चुका है, अब हम इसको लगा लेते हैं। तो मैंने फेस पे इसको अच्छे से मतलब पूरे एक सार फैला के लगा लूँगी, बिल्कुल पूरे एरिया में, गर्दन से लेके पूरे फेस तक। बस आँखों के एरिया को छोड़ देंगे, वैसे आँखों के एरिया पे भी इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इसके बाद आप चेहरा अपना देखेंगे कि बिल्कुल जब इसको धोएंगे ना, आपका चेहरा बिल्कुल चमक जाएगा, एकदम मतलब शीशे जैसी शाइनिंग लगेगी फेस पे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और आप पार्लर जाना सच में भूल जाएंगे। आप जैसे कहीं शादी पार्टी में जाना चाहते हैं तो आप पार्लर नहीं जा पा रहे, तो 2-3 घंटे पहले आप इसको कर लीजिए, आपकी स्किन बहुत 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 सुंदर हो जाएगी। अब इसको मैं सूखने देती हूँ, उसके बाद फिर अपना चेहरा आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ये सूख चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है। मैं इसको धो के आती हूँ, तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा फेस मतलब साफ हो चुका है, अलग सा एकदम ग्लो आ गया है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो गई है, कितना साफ एकदम स्मूथ फेस हो गया है। सबसे पहले तो लगाती हूँ बिंदी, क्योंकि बिना बिंदी के चेहरा अच्छा नहीं लगता ना। ये देखिए आप अलग देख पा रहे होंगे, मेरे चीक्स पर लाइट दिख रही है ना, तो बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है इस तरह से आप करके। और यही नहीं, मैं सिर्फ इसी से नहीं करती, मैं ट्राई करती रहती हूँ, बहुत सी चीज़ें नेचुरल होती हैं, जैसे टमाटर का हो गया और केले से हो गया, मसूर की दाल से हो गया, ये चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ। आज मैंने आपके साथ ये दही का किया है शेयर, तो आगे और भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो मैं क्या करूँगी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।